इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह। शेर की दहाड़ सा जोश था जिसमें वे थे भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे भगत सिंह। आज भी जो रोंगटे खड़े कर दे, ऐसे विचारों के धनी थे भगत सिंह। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगत सिंह की जीवनी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुविचार कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला यह वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवाम शहर जिले के खटकर कला गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। वह सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर बड़ा असर हुआ और बचपन से ही उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे शहीद शब्द जुड़ गया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। इस हत्याकांड ने उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया। इस हत्याकांड ने अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के उनके संकल्प को और सुदृढ़ कर दिया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो दोस्तों, भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम सभी का शत शत नमन।